शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। डॉक्टर जल्दी आइए, श्रद्धा की सांसें अचानक से फूलने लगी। श्रद्धा, श्रद्धा कहाँ गई? डॉक्टर, अभी तो यहीं पे थी। आखिर तुम आ ही गई, लेकिन अब तुम यहां से बच के नहीं जा पाओगी। ये कौन है? ये लोग कौन है भाई? नहीं, देखो मुझे जाने दो भाई। देखो प्लीज, ये सब मत करो, मुझे यहाँ से जाने दो, पीछे हटो। मुझे मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है यहाँ पर। पीछे हटो भाई, मेरे बच्चे की हालत अभी ठीक नहीं है। मुझे 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 हॉस्पिटल जाना है दोबारा से। भाई प्लीज, कुछ तो तरस खाओ मुझ पर, दूर हटो, पीछे हटो, मैं कह रही हूँ पीछे हटो। क्या कर रही हो? कुछ तो तरस खाओ मुझ पर। कोई तरस खाए चाहे ना खाए, तू हर वक्त मौत को चकमा दे ही देती हो ना, लेकिन इस बार तू फंस गई। पायल प्लीज, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे मुझे हॉस्पिटल जाना है, मेरे बच्चे की हालत ठीक नहीं है। प्लीज पायल, मुझे जाने दो। क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? पायल प्लीज पायल। तुम लोग ऐसे देख क्या रहे हो? पकड़ो इसको। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें क्या मिलेगा ये सब करके? नहीं पायल, क्यों कर रही हो तुम ऐसे? पायल मुझे अस्पताल जाना है। से तुम लोग श्रद्धा के मायके में रह रहे थे, तो हमें कुछ बताना तुमने जरूरी नहीं समझा? अबे, हीरो गिरी की भी हद होती है, मगर नहीं, तुम दोनों को ज्यादा पता है ना? अब सर झुकाए काहे खड़े हो? अरे जवाब दो ना अपनी। मजबूर था बुआ जी मैं। मम्मी, पायल का खतरा पूरे परिवार पे था। अगर उसे पता चल जाता कि हम सब उसके खिलाफ हैं, तो वो अपने कोख में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती थी। अरे तुम्हारी अकल क्या घास चढ़ने गई थी क्या? बेवकूफ जैसी बातें कर रहे हो। अरे अगर हमारा परिवार साथ रहता तो उसकी हिम्मत ही नहीं होती ये सब करने की। अबे बेटा, तुम्हें इस बात का एहसास है? तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से श्रद्धा इस हालत में है आज। इसका ये मतलब हुआ कि पायल ने श्रद्धा के खाने में जहर मिलाया था ताकि वो और उसका बच्चा। इसका मतलब तो ये है कि घर में आज तक जो कुछ भी हो रहा था वो सब पायल ने किया है। यहाँ तक कि मम्मी आप और यशवी आंटी के साथ भी जो हुआ वो सब पायल ने किया है। अभय, तुम परिवार वालों को पहले से सतर्क कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। और तुम
अपने छोटे भाई की गलतियों पे सलाम ठोक रहे थे। तुम्हारा अपना दिमाग कहाँ था वरुण? अरे रितु, हम ही गलत हैं। अरे इस घर में बड़े ही बेवकूफ हैं। उन्हें सही गलत तो पता ही नहीं। अरे बस बच्चों को ही सही पता है, चाहे वो इसके लिए अपनी जान जोखिम में ही कहीं नहीं डाल दे। हम तो पहले ही कह रहे थे कि इस पायल को घर से निकाल देते, पर हमारी सुनता कौन है? सबको लगता है हम बस तमाशा करते हैं। हम उस पायल का ना पूरे कानपुर में हम तमाशा बना देंगे, जेल की हवा खिलाएंगे उसे, जेल में सड़ेगी वो। कोई फायदा नहीं है, पायल कहीं नहीं मिल रही है। ये क्या कर रही हो तुम? प्लीज मुझे अस्पताल जाने दो। मेरी हालत ठीक नहीं है, मेरे बच्चे की भी हालत ठीक नहीं है, मुझे दोबारा से अस्पताल जाना होगा। क्यों कर रही हो तुम ऐसा पायल? तुमने हमें 24 घंटे की मोहलत दी थी ना, तुम्हारे पैसों का इंतजाम वरुण जी और अभय कर रहे हैं। और जैसे तुमने कहा था ना पायल, तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई के खिलाफ जो हुई कंप्लेंट, उसे वापस लेने के लिए वो भी कर देंगे। लेकिन प्लीज पायल मुझे जाने दो, प्लीज पायल। तुम्हें क्या लगता है कि हर बार तुम्हारी झूठी बातों में हम बेवकूफ बन जाएंगे? जैसे तुमने हमें मंडप में बनाया था, जैसे अभय जी ने हमारे साथ प्यार का नाटक किया था। मेरी बहन, ये कोई नाटक नहीं है, मेरी बात पे यकीन करो। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, प्लीज। तब भी तुम्हें छोड़ना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि अभी तक तो पूरे त्रिपाठी घर में हमारे गायब होने का ढिंढोरा पीट चुका होगा। नहीं, पर अभय जी ने और वरुण ने सबको सच्चाई हमारी बता ही दी होगी, तो फिर हमें अपना सुरक्षा बीमा तो करना पड़ेगा ना। मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा पायल, प्लीज मुझे जाने दो पायल, प्लीज। तुम्हारे खोखले वादे अब हमारे किसी काम के नहीं है। तुम्हें क्या लगता है अगर हमारे प्लान में जरा सी भी रुकावट आई, तुम्हें अपने दोनों बच्चों का चेहरा देखना भी नसीब नहीं होगा? कहाँ हो तुम अभय? प्लीज आ जाओ, मुझे बचा लो। अपने बच्चों को कैसे बचाऊं? मुझे ये पैसे पायल को देने ही होंगे, और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। अभय, तुम कीर्ति के गहने गिरवी नहीं रखोगे, ऐसा हम तुम्हें देंगे। अगर फिर भी कम पड़े तो नैना जी के गहने गिरवी रख देंगे। नहीं भाई साहब, पायल के पेट में पलते हुए बच्चे से हमें मतलब ही नहीं है, तो फिर हम उसके लिए पैसों का इंतजाम काहे करें? किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।